ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केएस प्रीलिम्स 2018 के जीएस पेपर को सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हमने ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन जीएस में पूछे गए थे उनको लिया है। फ्रेंड्स, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी, ईवीएस, जीएस और साइंस एंड टेक से, वो अराउंड 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक से 4-5 क्वेश्चन साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से पूछे गए थे। जनरल साइंस से हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, 2-3 क्वेश्चन हमें जो है जनरल साइंस से देखने को मिले। मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे इस वाले सेक्शन से वो जियोग्राफी पे बेस्ड थे और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पे बेस्ड थे। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में रिफ्लेक्ट करें। दिस वीडियो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मी साहल तनवीर। आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विच इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, के दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो कोल्ड डेजर्ट है वो कौन सा है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है मैप बेस्ड ज्योग्राफी सेक्शन से। जो सबसे जो कोल्ड डेजर्ट है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, वो गोबी डेजर्ट है। इसको आप यहाँ पे मैप में लोकेट कर सकते हैं, ये हमने दिखाया है मैप में। यह है गोबी डेजर्ट, ये सप्राउल है मंगोलिया और चाइना के बीच में। ठीक, मंगोलिया का ध्यान रहे कि मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कभी ये किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये गोबी डेजर्ट आप देख रहे हैं चाइना और मंगोलिया पे, कुछ एरिया इसका चाइना के अंदर है और कुछ मंगोलिया में इसका एरिया है। नेक्स्ट जो है वोल्केनो पे पूछा गया है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म पे पूछा गया है। द इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स इन द शेप ऑफ सोलर प्लेट इज कॉल्ड एज। देखिए, हमारे पास जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स और दूसरे होते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। यानी कि जब मैग्मा, जो लावा होता है, वो अर्थ क्रस्ट, सपोज करते हैं ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, जब मैग्मा अर्थ क्रस्ट के बाहर आकर सोल्डिफाई होता है तो उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। और जब मैग्मा या लावा अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सोल्डिफाई होता है तो उसको हम इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म तब वो बनाता है। तो इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो है, जिसकी सोजर की तरह जो होता है, ये कहता है कि उसको क्या कहते हैं। देखिए, जहाँ पे हमने मैप में दिखाया है सोजर की तरह, सोजर इस तरह होती है जिसमें हम कप रखते हैं, ठीक है, प्लेट की तरह, तो इसको हम लैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, डाइकोर सिल जो होते हैं, जब टेबुलर फॉर्म में जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है जैसे वो होता है तो उसको डाइकोर सिल कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए है, लैकोलिथ। ठीक है, क्रेटर जो लैंडफॉर्म है ये एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है कि मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कम्प्लीटेड इन इंडिया इज। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट एट दैट टाइम न्यूज़ में था, जो कंप्लीट किया गया है ये किस रिवर पे बेस्ड है। ये दमोदार जो है, इसका पूरा नाम दमोदार रिवर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है तो ये दमोदार इसका करेक्ट है। तब पंचर डैम इस पे बनाई गई है, ये एट दैट टाइम बहुत न्यूज़ में रहा है तो तभी ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, करंट अफेयर्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच प्लैनेट एक्सपीरियंसेस अ डे ऑलमोस्ट ऑफ द सेम ड्यूरेशन एज दैट ऑफ अर्थ। ऐसा कौन सा प्लानट है कि जिसके ऊपर दिन जो होता है वो ऑलमोस्ट अर्थ के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्स। मार्स वो प्लानट है कि जिसका दिन ऑलमोस्ट अर्थ के इक्वल होता है। याद रहे कि हमारे यहाँ जो होता है साल, वहाँ हमारा मार्स पे जो साल होता है वो अर्थ के 2 साल के इक्वल होता है, मगर दिन जो है ऑलमोस्ट अर्थ के इक्वल होता है। तो नासा इस पे काफ़ी प्रयास कर रहा है मार्स पे, कि 2018 में नासा का मिशन
2030 में नासा का मिशन है कि वहाँ मार्स पे आदमी को भेजना चाहता है। तो इस क्रम में नासा ने काफ़ी प्रयास किए हैं। 2012 में नासा के एक फेमस रोबोट वहाँ पे काम कर रहा था, क्यूरियोसिटी रोवर। और रिसेंटली इन्हीं दिनों जो है नासा ने एक रोबोट भेजा है जिसका नाम है इनसाइट। इनसाइट रोबोट जो है इसने वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड किया है मार्स के एक प्लेटू पे जिसका नाम है एलिजियम प्लेनिशिया। एलिजियम प्लेनिशिया वहाँ का सेकंड लार्जेस्ट वोल्केनो प्लेटू है मार्स पे, वहीं पे जो है इनसाइट रोबोट ने लैंड किया है। इनसाइट रोबोट और क्यूरियोसिटी रोवर में ये डिफरेंस है कि क्यूरियोसिटी रोवर जो रोबोट पहले नासा का वहाँ पे था, वो डिफरेंट लोकेशंस पे मूव करके वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन भेजता था। बट जो हमारा इनसाइट रोबोट है ये एक ही जगह पे पोजीशन रहेगा और वहीं से नीचे खोद कर हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है कुछ मीटर नीचे खुदाई करके हमें इंफॉर्मेशन वहाँ की अर्थ पे भेजेगा, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि जो अर्थ है या यूनिवर्स है ये कैसे वजूद में आई। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो इसरो है, इसरो ने भी सक्सेसफुली एक मिशन किया है मंगलयान। मंगलयान ऑर्बिट, मंगलयान एक सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट ने इसरो ने डाला है, और इसरो प्रयास कर रही है कि 2020 या 2022 के बीच मंगलयान 2 को भेजने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन इज कॉल्ड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो रीजन पड़ता है उसको हम टोरड जून कहते हैं। यह है टोरड जून, ये डायग्राम में मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, और जहाँ पे ये होता है नॉर्थ टेम्परेट जून, फ्रिजिड जून, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से ये लाइन पास होती है, और इसी के क्रॉस्पॉन्डिंगली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में जो है लोकेट करती है। तो इसके बीच वाले जून को हम टोरड जून कहते हैं, फिर नॉर्थ टेम्परेट जून और फ्रिजिड जून, इसी तरह नीचे साउथ टेम्परेट जून और फ्रिजिड जून, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच वाले जून को हम टोरड जून कहते हैं, तो ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ अ सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से जो सी लेवल राइज होती है, होगी, उससे क्या अफेक्ट पड़ सकते हैं। देयर विल बी एन इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ वेल वाटर इन कोस्टल एरियाज। तो यूँ समझिए, सपोज करते हैं ये हमारा एक सी है, ये सी है, ठीक, और ये कोस्टल एरिया है। सपोज करते हैं ये कोस्टल एरिया में कोई भी एक वेल है, ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर ये सी लेवल राइज करती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, इस वेल पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। पहले पार्ट में इसने कहा कि बाइकार्बोनेट कंटेंट जो है वो वेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, हो सकता है, बट हमें मोस्ट एक्यूरेट जो है ऑप्शन के साथ जाना होता है। सेकंड पार्ट में है, देयर विल बी इंक्रीज इन सोडियम कंटेंट ऑफ वेल वाटर इन कोस्टल एरियाज। ये जो वेल का पानी होगा इसके अंदर जो है सोडियम कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड कहता है कि इसके अंदर पोटेशियम कंटेंट जो है इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्थ कहता है कि इसके अंदर नाइट्रेट कंटेंट जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए, वैसे तो जब सारे के सारे साल्ट पाए जाते हैं सी के अंदर, बट सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो सोडियम साल्ट की होती है। ओबियसली जब ऐसा फेनोमेना होगा तो सबसे ज़्यादा जो हमें मात्रा देखने की मिलेगी वेल में वो सोडियम की ही मिलेगी, क्योंकि प्रोलीफ्रेशन या ओस्मोसिस वाले प्रोसेस से जो सोडियम है वो कोस्टल एरिया पे जो वेल है उसके वाटर में ज़्यादा एकुमुलेट होने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, इन हिमालयाज परमानेंट वेजिटेशन इज नॉट जनरली फाउंड अबव - मीटर एल्टीट्यूड। ये हिमालय है, और हिमालय के कहता है कि किस रीजन, किस एल्टीट्यूड से ऊपर हमें जो है परमानेंट वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती।
तो हमें जो परमानेंट वेजिटेशन है वो 4600 मीटर के बाद जो है परमानेंट वेजिटेशन को नहीं देखने परमानेंट वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती। इससे ऊपर हमें जो है कुछ मॉसेस लाइकन वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रहे कि 3600 मीटर से ऊपर जो है हमें कुछ श्रब्स वगैरह जो हैं पाए जाते हैं। ठीक, इतनी जो कंडेंसड फॉर्म में जो वेजिटेशन होती है 3600 मीटर से पीछे भी हमें नज़र नहीं आती। तो 4600 के बाद तो बिल्कुल भी जो कोई परमानेंट वेजिटेशन है वो देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम पे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये किस पॉइजनिंग के साथ एसोसिएटेड है। मर्करी, नाइट्रेट, कैडमियम, मीथेन। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट जो है नाइट्रेट पॉइजनिंग के साथ एसोसिएटेड है। फ्रेंड्स, जब कोई भी वाटर कंटेमिनेट हो जाता है नाइट्रेट केमिकल से, ठीक है, तो नाइट्रेट जब भी बच्चे के अंदर जाएगा या बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेशन होने पर ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है और ये नाइट्राइट फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करता है। जब ये नाइट्राइट जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तो इसको हम मिथाइल हीमोग्लोबिनीमिया कहते हैं, या फिर तब हीमोग्लोबिन को हम मिथाइल हीमोग्लोबिन कहते हैं जब नाइट्राइट इसके साथ मिल जाता है। और जब नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से आँखें जो होती हैं बच्चों की ब्लू हो जाती हैं, स्किन का कलर पेल हो जाता है, बच्चों के अंदर लेजीनेस वगैरह आ जाती है, ऐसे इसके सिम्टम्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है ये एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ज्योग्राफी सेक्शन से है ये भी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द एल्टीट्यूड्स इन द एटमॉस्फेयर वुड हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। इन नीचे दिए गए में से जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो किन दो के बीच ज़्यादा पाई जाती है। जो ओजोन की कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है वो 25-30 किलोमीटर जो है इसके बीच में सबसे ज़्यादा ओजोन की कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है। याद रहे जिस तरह ये है, जहाँ पे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर हम जाएंगे तो इक्वेटर से हम अगर ऊपर जाएं तो 18 किलोमीटर पर हमें जो होती है पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर उसके ऊपर जो है सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाती है, जिसके अंदर जो 50 किलोमीटर तक होती है, और ओजोन जो होती है इसी लेयर के अंदर होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, जहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह ये होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, सबसे ज़्यादा जो हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है इन सिटीज़ में से, सबसे ज़्यादा किस सिटी की पॉपुलेशन है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है 2011 सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंगली वो चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दी गई स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या है। इन स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन इज़ फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग ऑक्सीजन एटम विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। हम देखते हैं पहले ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कैसे होती है। यह हमारे पास ऑक्सीजन है और नॉर्मली ये जो है डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जब यूवी रेज इस पर पड़ती हैं, ये इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को ब्रेक करके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, दैट मीन्स ओ प्लस ओ। जब ये ओ बनता है, जब ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है, तो इसकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ये अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है। अब ये चाहता है कि ये स्टेबल हो जाए, और ये स्टेबल होने के लिए जो है कोई दूसरा डाई एटॉमिक फॉर्म का ऑक्सीजन ढूंढता है, और यूवी की प्रेजेंस में ये फिर जो है ये ओ इस ओ टू, दैट मीन्स ये मोनो एटॉमिक जो सेपरेट हो चुका है अनस्टेबल फॉर्म में है, ये जुड़ जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ और ये बनाता है फिर O3।
जब ये O3 बन जाता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाता है ऑक्सीजन का, तो हम इसको कहते हैं वजू। ठीक, अब देखते हैं इसी पे जो है हमारी स्टेटमेंट से। इन स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन इज़ फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग ऑक्सीजन एटम विद ऑक्सीजन मालिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। बिल्कुल ये ठीक है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है ओजोन बनता है ऑक्सीजन डाईएटॉमिक ऑक्सीजन के साथ, जो है मोनोटॉमिक ऑक्सीजन एटम जुड़ के बनाते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है जी। दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन मेंटेन्स इन द बैलेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जी दूसरी भी करेक्ट है। मैंने अभी बताया कि ये अनस्टेबिलिटी जब क्रिएट हो जाती है, तो इसको स्टेबल होने के लिए फिर जो है ये डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ता है, तो तब वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है इस अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के चक्कर में जो है ओजोन बनता रहता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज़ कंसंट्रेटेड इन 23 और 25 किलोमीटर के बीच में होती है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर की जो हाइट होती है ये 18 किलोमीटर से लेकर ठीक 50 किलोमीटर तक होती है। वहीं अगर पोल से अगर हम बात करें तो अर्थ के पोल से ये 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के अराउंड तक होती है। थर्ड को देखते हैं जी, सॉरी फोर्थ को देखते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन बाय 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली ज्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स ड्यू टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो फोर्थ में कहता है कि स्ट्रेटोस्फीयर जो ओजोन है वो रिकवर हुई है पिछले 5 सालों में। देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। जो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है इस ये रिकवर हुई है, बट इतनी ज़्यादा भी रिकवर नहीं हुई है। कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि ओजोन ने सच में जो है इतना रिकवर किया है। तो हमारा फोर्थ पार्ट इसमें गलत होता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 पार्ट जो हैं देखेंगे हम हमारा कौन सा सही है। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामसर कन्वेंशन पे बेस्ड है कि रामसर कन्वेंशन जो है ये किस चीज़ को कंजर्व करने की बात करती है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन किस चीज़ की कंजर्वेशन से एसोसिएटेड है। तो रामसर कन्वेंशन जो है ये 1971 में एक एग्रीमेंट ईरान के अंदर रामसर सिटी में साइन किया गया था। इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था जिसमें बात की गई थी कि वेटलैंड्स को कैसे कंजर्व किया जाए। तो ये वेटलैंड्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स इन इंडिया जो है, इंडिया के अंदर मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन जो हैं वो 36 होते हैं, 36 इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एसिड रेन यूजली रेफर्स टू प्रेसिपिटेशन विद pH लेस देन। एसिड रेन जो होती है हम तब कहते हैं जब हमारा pH स्केल पे उसकी वैल्यू 4 से पीछे आने लगे, तब उसको हम एसिड रेन कहते हैं। pH स्केल आपने देखा होगा इस तरह से होता है, ठीक, जो हमें यह चीज़ बताता है कि कौन चीज़ कितनी जो है अल्कलाइन है या एसिटिक है। ठीक, कितनी कोई चीज़ बेसिक है या एसिटिक है। इस पे जो होते हैं 14 मेजरमेंट होते हैं, ठीक है, 14 नंबर्स होते हैं इस पे। 7 से ऊपर जो चीज़ें इस साइड में जैसे हम जाते हैं तो चीज़ों की बेसिडिटी शो, बेसिक करेक्टर शो होता है, और जब हम नीचे आते हैं 7 कि इस साइड में आते हैं तो चीज़ों का जो है एसिटिक करेक्टर शो होता है। तो जब चीज़ें 4 के नीचे, जब एसिड रेन, जब रेन की क्वालिटी जो है वो 4 के नीचे आने लगे, तब हम उसको एसिटिक रेन कहते हैं। ये केमिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री सेक्शन से लिया गया है। कोल इज़ फाउंड इन विच टाइप्स ऑफ रॉक्स। कोल जो है किन टाइप्स के रॉक्स में जो है पाया जाता है। तो कोल जो होता है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है। और सबसे पहली बात तो है इग्नोस रॉक्स में तो ये पाया नहीं जाएगा, क्योंकि इग्नोस रॉक्स जो होते हैं वो मैग्मा से बनते हैं, ठीक है। तो कोल जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इसका बी करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए डिजास्टर रिलेटेड टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट? न्यूक्लियर एक्सीडेंट के साथ इनमें से कौन सा जो डिज़ास्टर है वो एसोसिएटेड नहीं है? इनमें से जो डी डिज़ास्टर है लाओ केनाल वाला, ये एसोसिएटेड नहीं है न्यूक्लियर एक्सीडेंट के साथ। एक्चुअल लाओ केनाल में क्या हुआ था, नेगारा फॉल्स के करीब, ठीक है, वहाँ पे एक केनाल है लाओ केनाल, वहाँ पे हुकर केमिकल कंपनी ने जो उसकी इंडस्ट्री का जो भी केमिकल वेस्ट था वो उसने इस नहर में दबा दिया था, इस केनाल में दबा दिया था। अराउंड 1978 में उसने ये जो उसके केमिकल जो वेस्ट प्रोडक्ट था टन्स के हिसाब से उसने इस नहर में दबा दिया। अब जब 2-3 साल के बाद फिर इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा जो है असरात पड़े और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी वगैरह और वहाँ का जो भी इकोसिस्टम था तो उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इसका। तो लाओ केनाल जो डिज़ास्टर है ये न्यूक्लियर से एसोसिएटेड नहीं है। फुकुशिमा एक डिज़ास्टर है 2011 में हुआ था, ये जापान के अंदर चिम्बल और केशतुम, चिम्बल जो है ये USSR तब ब्रेक नहीं हुआ था, वहाँ पे हुआ था, और किशाइतुम जो है ये भी रशिया के अंदर जो है प्लूटोनियम प्रोडक्शन के दौरान ये वाला जो है ये इंसिडेंट्स वहाँ पे हुआ है। तो पहले तीन जो हैं वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट के साथ रिलेटेड हैं और फोर्थ वन जो है वो न्यूक्लियर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। मोर क्राप पर ड्रॉप रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन एफिशेंसी, ठीक। रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक, एक गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें किसानों को ये चीज़ सिखाई जा रही थी कि जो है हम पानी को किस तरह जो प्रिजर्व कर सकते हैं, कम से कम पानी हमें जो है इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मोर क्राप पर ड्रॉप तो ये पहले के साथ जो है एसोसिएटेड है इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन एफिशिएंसी, ठीक है। ऐसी स्कीम लगाने की इंडिया को ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो बहुत से एरियाज हैं जिस तरह पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल है वहाँ का वाटर टेबल काफ़ी नीचे जो है जा चुका है, ठीक। और 70% जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, आपको याद रखना चाहिए कि 70% पॉपुलेशन जो है पोल्यूटेड वाटर कंज्यूम कर रही है, और बहुत से ऐसे विलेजेस और इवन के कुछ हमें अर्बन सेक्टर्स भी ऐसे मिलते हैं जहाँ पे अभी भी पीने का पानी जो है इंडिया में नहीं मिलता है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है कुछ ATMs शुरू किए हैं पानी के, तो आप कमेंट करके बताइए कि किस सिटीज़ में ये जो ATMs हैं लॉन्च किए गए हैं और किस मिनिस्ट्री ने ये जो ATMs हैं लॉन्च किए हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेनिनसुलर इंडिया के पे के मैप पे बेस्ड है कि इनमें से जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया का कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया का जो है गोदावरी रिवर है। गोदावरी रिवर को हम तशकन गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है नर्मदा एक फास्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रहे, और नर्मदा पे स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है रिसेंटली इसी पे जो है इस रिवर के बैंक पे बनाया गया है। विच हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई रैपनट फ्रूट? रैपनट फ्रूट कौन से हार्मोन जो हैं प्रोड्यूस करते हैं? रैपनट फ्रूट जो होता है एथाइलीन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दूसरे हार्मोन भी प्लांट ही रिलीज करते हैं, बट फ्रूट इसका जो है वो एथाइलीन प्रोड्यूस करता है। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डेटा ऑन फर्टैलिटी मोर्टैलिटी। सिंपल रजिस्ट्रेशन इंडिया का जो सिस्टम होता है ये हमें फर्टैलिटी पे भी डेटा प्रोवाइड करता है और मोर्टैलिटी पे भी डेटा प्रोवाइड करता है, तो इसमें दोनों आएंगे, ठीक है, सी इसका करेक्ट वन है। नेक्स्ट चलते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासस, ठीक। वर्ल्ड का ऐसा कौन सा हाईएस्ट मोटरेबल जो है पास है, माउंटेन पास है? तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था, करदुंगला पास जो है ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है और ये लद्दाख रीजन में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। रेजिडेंट ऑफ ब्रिटेन वांट्स टू कॉन्टैक्ट हर रिलेटिव इन श्रीनगर ज्यूरिंग सनराइज आवर्स एंड वांट्स टू विश हिम न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, एट व्हाट टाइम ब्रिटिश लोकल टाइम शी शुड मेक अ कॉल टू इंडिया। बड़ी इंटरेस्टेड सा जो ये है
एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक कि श्रीनगर के अंदर जो सनराइज़ होता है उसकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे सनराइज़ यहाँ पे होता है। ठीक, जहाँ पे अगर देखा जाए श्रीनगर के अंदर जो सनराइज़ हो जाता है, ये 707 के करीब जो है सनराइज़ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड टाइम जोन। ठीक है, वर्ल्ड टाइम जोन का हमें पता होना चाहिए कि उसको कैसे करते हैं। तो ब्रिटिश के अंदर अगर कोई लड़की कोई रहती है, कोई फीमेल है, सपोज़ करते हैं एफ कोई पर्सन है जो ब्रिटिश के अंदर रहता है, उसको ग्रीटिंग्स करनी है सनराइज़ हावर्स में श्रीनगर के अंदर। ऑब्वियसली वो ग्रीटिंग्स तभी करेगा जब सूरज जो है सूरज निकले। ठीक, ये कंडीशन स्पेस ने लगाई है कि जब सूरज निकले, तो सूरज यहाँ पे कब निकलता है, 7:15 बजे। अब ब्रिटिश का टाइम हमसे जो है 5.5 आवर्स, 5 घंटे और 30 मिनट पीछे चलता है। दैट मीन्स अगर हमारे यहाँ दिन के 5 बजते हैं तो ब्रिटेन के अंदर दिन के 12:30 होंगे। ठीक, अगर यहाँ पे सूरज 7:17 पे श्रीनगर में निकलेगा, दैट मीन्स अब जो बंदा ब्रिटेन में रहता है तो हमें उसको कॉल करनी चाहिए जब इंडिया के अंदर 7:17 होंगे। तो ऐट दैट टाइम हम देखेंगे कि ब्रिटेन के अंदर तब कितने होने चाहिए। ठीक है, तो ऐट दैट टाइम ब्रिटेन के अंदर लगभग 1:15 रात के, दैट मीन्स 1:15 AM का टाइम होना चाहिए। वहाँ से वो हमें कॉल करे, दैट मीन्स 7:17 से 5.5 घंटे पीछे का जो टाइम आता है उस वक्त हमें कॉल करे तो हमसे वो कॉन्टैक्ट कर सुबह जो है सनराइज़ खबर में हमें विश कर पाएगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बिटवीन 1:30 AM एंड 2:30 AM। टाइम जोन जो होते हैं जहाँ पे हमने मैप में दिखाया है कि हर 15 डिग्री चलने पर राइट डायरेक्शन में 1 घंटे का इजाफा हो जाता है। ठीक है, और यह वहीं प्राइम मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच नियर ग्रीनविच लंदन से पास होती है, वहीं इसके वेस्ट साइड में 15 डिग्री चलने पर टाइम से जो है 1 घंटे का घाटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन काज ऑफ फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन काज क्या है। ठीक, देखिए ये कहता है मेन काज की बात कर रहा है, राइस कल्टिवेशन इन मार्शी लैंड्स, ये भी काज है कि जब हम राइस जो है लगाते हैं उनसे एक गैस रिलीज होती है मीथेन, तो मीथेन की वजह से जो है ग्रीन हाउस, एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो पहला आंसर पार्ट ए ठीक हो सकता है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जाहिर सी बात है फॉसल फ्यूल्स की वजह से जो है कार्बन ऑक्साइड्स निकलते हैं, मीथेन वगैरह और नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह, इस तरह वाटर वेपर्स वगैरह या पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। थर्ड है थर्मल पावर जनरेशन, ऑफ कोर्स थर्मल पावर जनरेशन की वजह से होती है, कार्बन कंटेंट इसमें से निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। डिफरेस्टेशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग जो है होती है। सपोज करते हैं फॉरेस्ट कवर है, अगर हम दरख्तों को काट रहे हैं तो जब हम दरख्तों को काटेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ये भी एक काज है। बट इसने कहा है कि मेन काज क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, जब मेन काज इसने पूछा है तो हमें बेस्ट ऑप्शन के साथ जाना है। जो मेन काज है ग्लोबल वार्मिंग का वो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है। जब हम फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग करेंगे तो तब ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो थर्मल पावर जनरेशन इस को जो है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स सब्ज्यूम कर लेते हैं इस वाले ऑप्शन को भी, तो बेस्ट ऑप्शन इसका बी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग इन दिल्ली। फॉग की फॉर्मेशन के लिए दिल्ली के अंदर सबसे फेवरेबल कंडीशन जो हैं कौन सी हैं, ओवरकास्ट स्काई, ड्राई एयर एंड विंटर। सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि फॉग कैसे बनती है। फॉग जो है 3 तरह से बनती हैं। ठीक है, एक बनती है फॉग एडविक्शन से, एडविक्शन दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये एक वार्म एयर का ह्यूमिड पैकेट है और यहाँ से एक कोल्ड एयर का ह्यूमिड पैकेट है। जब ये वार्म एयर का ह्यूमिड पैकेट जो है इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो सडन कॉन्टैक्ट में आने से यहाँ पे जो इसके अंदर ह्यूमिडिटी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फॉग में,
इसको हम कहते हैं एडविक्शन। और फिर दूसरा होता है करंट्स, ओशन करंट्स की वजह से, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट्स आपस में मिलते हैं वहाँ पे जो है फॉग बनती है। और थर्ड जो होता है रेडिएशंस की वजह से, रेडिएशन की वजह से। सपोज़ करते हैं ये अर्थ है, नीचे से अर्थ अचानक ठंडी हो जाती है, अर्थ के अचानक ठंडे हो जाने की वजह से इसके ऊपर जो एयर होगी वो भी ठंडी होगी, और उसके ऊपर की जो एयर है वो उतनी ठंडी नहीं होगी। तो जब इसकी एयर जो है ठंडी एयर इस वार्म एयर के कॉन्टैक्ट में आएगी तो जहाँ पर जो है फॉग क्रिएट होगी। याद रहे फॉग जो है वो लोअर लेवल पे बनती है, लोअर लेवल पे जो फॉग, लोअर लेवल पे जो बनता है उसको फॉग कहते हैं। अगर ये हायर लेवल पे बनेगी ये फॉग तो तब इसको क्लाउड कहा जाता है। तो दिल्ली के अंदर ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तभी ये पूछा गया है। तो दिल्ली के अंदर जो है क्लियर स्काई, ह्यूमिड एयर इन विंटर जो है ये वाला बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि ये कंडीशन रहेगी फॉग को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये कंप्यूटर से पूछा गया है। कंप्यूटर का ब्रेन किस पार्ट को कहा जाता है? जो कंप्यूटर का ब्रेन है ये सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम प्रोसेसर अपनी जो है ज़बान में कहते हैं, नॉर्मली प्रोसेसर इसको कहते हैं, ठीक। उसके बाद है मॉनिटर, मॉनिटर होता है जो स्क्रीन होती है जिस पे सब कुछ डिस्प्ले होता है उसको हम मॉनिटर कहते हैं कंप्यूटर टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। रैम जो होती है, रैम का याद रहे कि रैम जो होती है मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर तीन किस्म की होती है, एक होती है कैशे मेमोरी, फिर उसके बाद होती है रैम, और उसके बाद होती है रोम, ठीक। जो रैम होती है हमारी ये एक वोलाटाइल नेचर की मेमोरी होती है, ठीक। रैम दो तरह की होती हैं, स्टैटिक रैम होती है और डायनामिक रोम होती है। वहीं अगर हम रोम को देखें तो ये एक नॉन वोलाटाइल नेचर की जो है मेमोरी होती है, ठीक। दैट मीन्स जब हम पावर को अगर स्विच ऑफ भी करते हैं इसके अंदर जो डेटा रहता है तो वो वैसे का वैसा ही स्टोर रहता है, ठीक। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सीपीयू की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये बेसिक सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। फायरवॉल का क्या काम होता है? फायरवॉल का जो होता है सिक्योरिटी का भी काम होता है, फायरवॉल का सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। अथेंटिकेशन बिल्कुल अथेंटिकेट भी करता है, डेटा ट्रांसमिशन भी करता है, ऑल ऑफ द अबव इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक पीसी है, ठीक, और इसको हमने एक फायरवॉल लगाया है। तो फायरवॉल हम पहली बात तो है यही है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगाते हैं ताकि हैकर जो हैं, ठीक है, वो हमारे सिस्टम से कोई चीज़ जो है चुरा ना पाएँ, ठीक। अब अथेंटिकेट ये कैसे करता है? सपोज़ करते हैं कोई डेटा का पैकेट है ये सिस्टम बी को भेज रहा है, वहाँ से सिस्टम बी मान लेते हैं एक डेटा का पैकेट भेज रहा है। जब ये डेटा का पैकेट भेजेगा फायरवॉल इसको चेक करता है क्या ये डेटा पैकेट इसके सिस्टम दैट मींस इस पीसी एस के आईपी एड्रेस से मैच करता है। अगर हाँ मैच करता है तो इस पैकेट को आने देता है, ठीक, अंदर। अगर नहीं करता है तो ये इसको वहीं पर रोक लेता है, दैट मीन्स तो ये अथेंटिकेट इस तरह से करता है। आगे चलते हैं, आगे नासा पे जो है, नासा और इसरो पे जो मैंने कहा ऑलरेडी पहले भी कि नासा और इसरो पे जो है क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नासा का रिसेंटली जो एक प्रोग्राम चल रहा है, मिशन चल रहा है पार्कर प्रोब, ये किस चीज़ की स्टडी करेगा? ये सन की स्टडी करेगा, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें, नासा क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, इनके क्या एम्स हैं, क्या मिशंस हैं, किस चीज़ पे काम हो रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज आई, ये सब चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पीडोजेनेसिस के अंदर अर्थ वर्म्स किस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं? देखिए पीडोजेनेसिस जो होती है ये सॉइल की स्टडी को, ठीक है, मिट्टी की स्टडी को हम पीडोजेनेसिस कहते हैं। अर्थ वर्म जो हैं सॉइल के स्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव करते हैं, तो ए इज़ द बेस्ट आंसर। अर्थ वर्म को फार्म्स फ्रेंड भी कहा जाता है, ठीक है। बेस्ट सोर्स ऑफ डेटा फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज, तो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इस पे ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट जो है एस्टिमेट करने का हमारे पास बेस्ट सोर्स कौन उपलब्ध करवाता है? तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट जो होती है ये साल में जो है एक बार इसको हम मेज़र करते हैं, ठीक है, साल के डेटा पे ये निर्भर करती है, और साल के मिडल में हम क्रूड बर्थ रेट जो है निकालते हैं। लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं?
लॉन्गेस्ट हाई अल्टीट्यूड ग्लेशियर्स जो हैं वो हिमालयाज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है लॉन्गेस्ट हाई अल्टीट्यूड ग्लेशियर है, कराकोरम रेंज में पड़ता है, हिमालयाज में, ठीक। वर्ल्ड का अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट जो है ग्लेशियर कौन सा, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है लैम्बर्ट ग्लेशियर है, लैम्बर्ट ग्लेशियर, ठीक है, एंटार्क्टिक रीजन में जो है ये पाया जाता है। लिस्ट ऑफ लेक्स एंड स्टेट्स आर गिवन बिलो, एक साइड में लेक्स दी हैं और नेक्स्ट साइड में जो है लेक्स दी हैं, इनको हमें मैच करना है, ठीक है। पहला है मानसर, चंद्रताल, देवरिया ताल, लोकटैक, फिर स्टेट्स से आगे मणिपुर, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल। देखिए इनमें से अगर अगर कोई भी नहीं आता होगा, एटलीस्ट ये तो पता होगा कि मानसर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, ठीक। जब मानसर हमें पता चल गया जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, दैट मीन्स ए के साथ थर्ड आना चाहिए। जब ए के साथ थर्ड आना चाहिए तो दो ऑप्शन हमें उसी वक्त कट हो जाते हैं, ठीक है। ए एंड सी कट हो गए, अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, दैट मीन्स बी और डी। जब आप बेस्ट असूल ये होता है इन एग्ज़ाम का, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स जाते हैं, एस्पिरेंट्स जाते हैं इनकी प्रिपरेशन करने के लिए, सब चीज़ें उनको नहीं आ रही होती, ठीक। अगर आप रेड लाइन के ऊपर जो है एक्यूरेट क्वेश्चन कर जाते हैं तो फिर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप जो है रेड लाइन क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर आप एक ऑप्शन भी जो है नॉकआउट कर पाते हैं तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरह इस वक्त हमने जो है इसमें 50-50 का गेम हो चुका है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब बी या डी में से एक टिक करने पर या हम गेम जीत सकते हैं या हम गेम हार सकते हैं। सपोज करते हैं मुझे पता नहीं है कि इसमें से सिर्फ मुझे एक ही पता था कि मानसर जम्मू एंड कश्मीर के साथ है, अब और किसी का मुझे पता नहीं है कि दूसरे किसके साथ है, तो देखिए हम इसके ऑप्शन में से ही जो है निकालेंगे, ठीक। अब देखिए अब लास्ट वाले को आते हैं कि डी कौन सा है, डी लोकटक है। इसमें एक ऑप्शन में इसने दिया है डी के साथ वन, दूसरे में दिया है डी के साथ वन, ठीक है, और इसने जो है ए के साथ है डी के साथ तीन और फिर है डी के साथ दो। इससे हम अगर जज करें तो डी के साथ वन जो है, डी के साथ वन ओके ऑल राइट, डी के साथ इसके साथ वन है और डी के साथ वन देखिए दो जगह पे है, वहीं पे ये चांसेस इसके बढ़ जाते हैं कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो इसका जो है डी ही पार्ट है। तो देखिए मानसर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ है, ठीक है, और चंद्रताल जो है चंद्रताल हिमाचल के अंदर है, सी जो है देवरिया ताल ये फर्स्ट मणिपुर के अंदर है, और लॉकटक जो है ये मणिपुर के अंदर है, ठीक है, और सी सेकंड के साथ है, सेकंड उत्तराखंड, देवरिया ताल जो है देवरिया ताल ये सेकंड के साथ है। तो हमने जो है ऑप्शंस में ही जज किया कि कौन सा ऑप्शन इसमें हो सकता है, जिसमें सिर्फ हमें सिर्फ एक ही पता था जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक। ऑलराइट, इस तरह जो है हम नॉकआउट करते हैं जब हमें एक ऑप्शन जो है राइट हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम फ्यूचर में अपलोड करें कि एस के रिगार्डिंग तो आपको भी उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैविंग नाइस टाइम अहेड।